स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल पिछले कुछ मुकाबले खास कमाल नहीं कर पा रहे हैं। अपने आखिरी टेस्ट मैच में गिल पूरी तरह फ्लॉप साबित रहे हैं। पहले पारी में ये खिलाड़ी सिर्फ 17 रन ही बना पाया और बात अगर दूसरी पारी की करी जाए तो केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल का ये प्रदर्शन बहुत निराश करने वाला है। इस समय शुभमन गिल के पास एक सुनहरा मौका था, क्योंकि चोट और कोविड के कारण रोहित शर्मा और केएल राहुल टीम के साथ नहीं जुड़े थे। ऐसे में विराट कोहली के साथ साथ गिल के ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी हो गई थी। गिल के प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वह टीम को संभालकर आगे ले जाएंगे, पर वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए। शुभमन गिल के करियर की बात करें तो गिल ने टेस्ट मैच की शुरुआत 2020 में करी थी। शुरुआती दौर में माना जा रहा था कि वो लंबे रेस के घोड़े हैं, लेकिन पिछले कुछ मैचों से ही गिल का बल्ला खामोश नजर आ रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले हम सभी भारतीय गिल से उम्मीद लगा बैठे थे कि वे इस मैच में शानदार खेल जरूर दिखाएंगे, पर ये सिर्फ सपना बनकर ही रह गया। गिल के पूरे टेस्ट करियर की बात करें तो 11 मैचों की 21 पारियों में 579 रन बना चुके हैं ये, जिसमें 4 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले हैं और शतक एक भी नहीं। गिल अपनी पारियों में 75 चौके और 8 छक्के लगा चुके हैं। ये तो बात रही टेस्ट मैच की, अगर हम वनडे और T20 की बात करें तो गिल यहाँ पे भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं। गिल ने अभी तक 3 वनडे मैच खेले हैं जिसमें 49 रन बना चुके हैं, और वहीं T20 की बात करें तो अभी गिल की शुरुआत भारत के साथ नहीं हुई है। शुभमन गिल की जिंदगी की बात करें तो शुभमन गिल का जन्म 8 सितंबर 1999 में पंजाब के फाजिलका जिले में हुआ था। इनकी शिक्षा पंजाब में ही संपन्न हुई है। मानव मंगल सम्राट स्कूल से ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, जो कि इनके मोहल्ले में ही स्थित था। इनके पिता का नाम लखविंदर गिल है, जो कि पंजाब में एक किसान है। इनकी सफलता के पीछे इनके पिता और इनकी बहन का बड़ा हाथ बताया जाता है। शुभमन गिल के पिता को इनकी प्रतिभा का अंदाजा तब लगा था जब उन्होंने इनके साथ खेत में क्रिकेट के दौरान शर्त रखी थी कि जो भी गेंदबाज शुभमन को आउट करेगा उसे मैं 100 रुपए दूंगा। जिस वजह से इनके पिता ने सही रास्ता दिखाया, वहीं बहन की बात करें तो इनकी बहन इनके गलत तरीके से आउट होने पर इनका मजाक बनाया करती थी। उनका कहना था कि शुभमन को ठंडे दिमाग से खेलना चाहिए, हर गेंद पर छक्का मारने की कोशिश में जल्दी अपना विकेट खोने का डर होता है, इसलिए उचित गेंद पर ही शॉट खेलने चाहिए। शुभमन गिल जब 8 साल के थे तो इनके पिता इनको लेकर मोहाली चले गए, जहां उन्होंने एक मकान किराए पर लिया जिसके सामने PCA नामक एक क्रिकेट मैदान था। वहीं पास में ही एक क्रिकेट इंस्टीट्यूट में शुभमन का दाखिला करवाया गया, जहां से इन्होंने अपनी प्रतिभा को निखारना शुरू कर दिया। पहले अंडर 16 और फिर अंडर 19 में गिल ने जगह बनाई। 2018 साल इनको IPL में भी शामिल किया गया था। देश के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि शुभमन देश का अगला बड़ा सितारा है जो बहुत ऊंचाई पर जा सकता है, लेकिन पिछले कुछ समय से इनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं चल रहा, जिसके कारण इनके करियर पर संकट मंडराता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस पे आपके क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।